छोटका सार ये साली सब हमारे भैया का देख सकते हैं, इधर भी देखिए और भैया का खुशी देख सकते हैं साली सब को देख के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ ठीक है ना, बेल्ट पहनेंगे तो और ठीक है, नीचे वो फिटिंग कर देगा और अभी दिखा रहे हैं। डन, 100% डन। तो क्या माप वाप ले लें? देख सकते हैं दूल्हे मियां को जो है ज्यादा खाने के कारण ससुराल में हगनी लग गया था, देख सकते हैं। का दोस्त ज्यादा खा लेगा ससुराल में? क्या गजब टू विवाह आदमी। अच्छा बहुत ज्यादा खुश है, 30,000 का शॉपिंग किया है पता है बच्चा, 30,000 मानना पड़ेगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मिलर। कैसे आप सब? मेरे ख्याल से तो ठीक है गाइस। तो गाइस आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे रोहित मोटका का जो शादी फिक्स हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं रोहित मोटका का जो है शॉपिंग करने के लिए शादी का। तो रोहित मोटका जो अभी है लेट हो गया होता तो वो आ रहा है अभी, और तो हम पहले पहुंच चुके हैं। तो फटाफट से चलते हैं, टिकट कटाते हैं और सीधे चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, आगे दिखाते हैं क्या क्या होता है। रोहित मोटका आ गया, देखिए अभी हम राजा भैया देखिए जा रहे ट्रेन जो है आके रुकी है नक्सलवाड़ी में, देख सकते हैं। हमारे मुटका को जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आज जो पक्का भौजी से मिलेगा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। का दोस्त शॉपिंग करेगा ना बढ़िया से? हाँ चलो चलो, अच्छा से शॉपिंग कराते। ठीक है, तो सारा सीरीज आप लोग को मिलेगा मुटका का बिहार का। ठीक है, दिखाते आप लोगों को। देख सकते हैं बागडोगरा में मेरा दादाजी का ट्रेन उड़ रहा है। ओ सॉरी, ट्रेन है, फ्लाइट उड़ रहा है। ठीक है, कुछ भी कुछ भी। ये देखिए मेरा दादाजी का फ्लाइट है। मेरा दादाजी का फ्लाइट था, उठो दादाजी का। तो फाइनली गाइस आगे पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी, देख सकते हैं स्टेशन। तो पीछे हमारा दूल्हा मियां देख सकते हैं। अब दूल्हा मियां को पता है कि कहां जाना है कहां नहीं। ठीक है, दूल्हा मियां से पूछ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, कहाँ शॉपिंग करना है उनको, और ना उनका भाई से बोलना है कहाँ छोड़ू कहाँ जाना है। भोसड़ी के पागल है क्या? तो हमारा दोस्त जो है अरिंदर, देख सकते हैं वो ट्रेन में इतना सफर करते आया, लेकिन इसको शौक चढ़ा है टॉयलेट में आके 10 रुपया दे के मूत्र विसर्जन करना। ये देखिए चला कौन है क्यों है अंदर, ऐसा कोई आदमी होता है क्या? अभी बता दे आप लोग, हरिंदर जो है रास्ता भटक गया था, हम लोग को छोड़ के आगे निकल गया था, मुझे सामने से लगा पता नहीं। यही देखिए गाइस आ रहा। किसी दिन वक्त निकाल कर भोसड़ी का कहूंगा तुझे। बताओ ये गोरी हमारा गन्ना के रस में सोही सोही जाता कि ना। अभी पिलाएगा अभी हरिंदर हम लोग को वही गन्ना का जूस। गन्ना का जूस पी लिए हैं, आप जा रहे हैं ससुराल। अरे बाबा, सॉरी मेरा ससुराल नहीं, रोहित का ससुराल जा रहे हैं। ठीक है, गजब टू विवाह आदमी। चलिए सीधे आगे दिखाते हैं आप लोग क्या क्या होता है। अभी हरिंदर ले रहा ससुराल जाने के लिए मिठाई, देख सकते हैं मिठाई उठा ले ली है। अब चलते हैं सीधे, चलो जाए दोस्त, चलो 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 आराम से। A few moments later. ठीक है ना, बेल्ट पहनेंगे तो और ठीक है, नीचे वो फिटिंग कर देगा और अभी दिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो कर देगा वो उसका वो।
जितना शॉपिंग करना था शॉपिंग करने, शेरवानी ले लिए, कोट भी ले लिए। अब हम लोग जा रहे कहाँ, शर्ट लेने के लिए। अभी हम लोग सबको है हांगकांग मार्केट में, उसी से चलते आगे और आगे दिखाते आप लोग को मार्केट थोड़ा बहुत मिला जुला के। और अंदर में आप लोग ज़्यादा कुछ इस टाइम दिखाए क्योंकि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, इसी कारण से मतलब थोड़ा बहुत बहस भी हो गया। छुपके छुपा के थोड़ा बहुत कर लिए हैं, आप लोगों को दिखा ही दिए। ठीक है, आगे चलते फटाफट से शर्ट लेते हैं। इसके लिए देखते, बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है, 30,000 का शॉपिंग किया है, पता है बच्चा, 30,000। अरे बाबा, मानना पड़ेगा, सुना लगा दिया सास का। कितना है, 10 गो टोटल? खाली सबको ला के डरा रहा है खाली। इसका चावला, इसका इसका विद्या, अरे 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 कश्यप, मनीष कश्यप, वो दोनों दामाद जी भात को खाइए। छोटका सार, ये साली सब हमारे भैया का देख सकते हैं, इधर भी देखिए और भैया का खुशी देख सकते हैं, साली सबको देख के कुट कुट के भरा हुआ देख सकते हैं चारों तरफ। ये देखिए लाइन लगा हुआ है, ये सबसे बड़ा बदमाश है। कहा बदमाश है ना, तुम बदमाश है कि नहीं है? ये देखिए और भी सार सब आ गया। कल टीम बनाया था ये, कहाँ भागा, कहाँ भागा, ले भाग गया। रुला दिया बेचारा को। A few moments later. तो गाइस खाना खाने के आधा घंटे के बाद हम लोग को चाय मिल चुका है, देख सकते हैं। उधर समोसा भी इतना खा रहा है, सुबह से पता नहीं चल रहा है कितना खाएंगे, खा खा के पेट फूल गया है। सारा शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद वहाँ पे जो है सारा खाना वाना खाने के बाद अभी हम लोग ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं घर की ओर। तो देख सकते हैं दूल्हे मियां को जो है ज्यादा खाने के कारण ससुराल में हगड़ी लग गया था, देख सकते हैं। क्या दोस्त, ज्यादा खा लिया ससुराल में क्या? नहीं नहीं, हम तो समझ गए कुछ और करने का था, ससुराल में ज्यादा खा लिया था ना इसीलिए क्या? हाँ ठीक है, भौजी जो ठूस ठूस के खिलाया ना, देख सकते हैं ज्यादा खा लिया था, अभी पेट क्लियर हो गया इसका। ठीक है, अब घर से आराम से सो जाना, ठीक है ना, चलो।